राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बजैया से लीला चरित्र जो शेष हैं नरसी जी के संसर्ग में आकर किस प्रकार चंचला वैश्या भगवत भजन में तल्लीन हो गई, आगे के दृश्य में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे शिकायतें राव मंडलीक से नरसी जी के विषय में ईर्ष्यालुओं ने की हैं। किंतु नरसी जी के नागर जाति के ब्राह्मणों को सबसे बड़ा जो कष्ट था, जिस बात से द्वेष थी, उन सब की दुकानें बंद हो गईं। पर नरसी जी का कार्य व्यापार करना या दुकान चलाना नहीं था। नरसी जी का कार्य कल्याणकारिणी भक्ति करना और उसी को करने के लिए लोगों को प्रेरित करना ही था। जिस समय चंचला वैश्या को भेजा है सारंगधर मुखिया ने उनका चरित्र कलंकित करने के लिए, वह वैश्या संध्या का समय था, नरसी जी आरती कर रहे थे, हाव भाव कटाक्ष बींधने लगी और एक रात्रि नरसी जी के सत्संग में बस रही है और उतने मात्र से उसका संपूर्ण जीवन बदल गया। चरणों में गिरी, जिस दुर्भाव से आई थी उसके लिए क्षमा याचना करने लगी। नरसी जी की दो पुत्रियां कुंवर सेना रत्न सेना और दो नर्तकियां जो जगह जगह गान और नृत्य करके अपना जीविका चलाया करती थीं, वे भी नरसी जी की शरण में आईं। नरसी जी ने कहा, देखो धन चाहिए तो धन तो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेमा भक्ति चाहिए तो वह अवश्य तुम्हें यहाँ मिलेगी। नृत्य एक बहुत बड़ी साधना है, संसार के लिए उपयोग करोगे तो अत्यंत निंदनीय है और भगवान के लिए उपयोग करोगे तो बहुत बड़ी साधना है। जैसे मीरा जी ने कहा, श्री गिरिधर आगे नाचूंगी, नाच नाच पिय रसिक रिझाऊँ, प्रेमी जन को जाचूंगी। वे दो नर्तकियाँ भी नरसी जी की शिक्षा से वहीं रहकर ठाकुर जी को गान नृत्य के द्वारा रिझाने लगीं। दो पुत्रियां, दो नर्तकियां, एक वैश्या, सारंगधर मुखिया, अब दिन रात उत्सव कीर्तन बढ़ने लगा, सत्संग बढ़ने लगा। और उधर जिस समय कीर्तन के लिए गए हैं तो सब नागर जाति के ब्राह्मणों ने नरसी जी को जाति से बहिष्कृत कर दिया। अछूत के घर में जाता है, चांडाल के घर में कीर्तन करने जाता है। नागर जाति के विप्र जब भोजन करने के लिए बैठे तो हर ब्राह्मण को अपने बगल में चांडाल दिखाई पड़ा। हर ब्राह्मण को भोजन भी नहीं कर सके, मध्य से ही उठना पड़ गया। उस समय वहाँ अनंत राय मामा ने नरसी जी के, अनंत राय जो मामा थे उनको कुछ कुछ नरसी जी के प्रति सद्भाव मन में आ गया था और उन्होंने सारंगधर मुखिया को कहा, सारंगधर तुम नागर जाति के मुखिया हो लेकिन अब तक भी नरसी जी की महिमा को समझे नहीं, जीवन भर भोजन नहीं कर पाओगे, जहाँ भोजन करोगे अपने निकट चांडाल ही देखोगे, इसलिए इसी समय जाओ और नरसी जी से क्षमा याचना करो। तब वहाँ सारंगधर मुखिया दौड़कर आए हैं और नरसी जी से क्षमा याचना की है। उसके बाद जब भोजन किया तो वहाँ फिर उनको कोई अछूत कोई चांडाल दिखाई नहीं पड़ा। कहने का भाव यह है, नरसी जी वैष्णव का अपराध, भक्त का अपराध भगवान भी सह नहीं सकते हैं और नरसी जी एक अवतरित पुरुष हैं, श्री भगवान की अंतरंग सखी सहचरी हैं, परम भागवत शिरोमणि जिनको नाभा जी ने कहा है, ऐसे भक्त का अपराध भला भगवान कैसे सह सकते थे। इसलिए समय समय पर सभी ईर्ष्यालुओं को दंडित किया है और
नरसिंह जी महाराज यद्यपि भक्त के चित्त में कभी प्रतिकार की भावना नहीं होती है, जैसा कि हम लोग अभी पूर्व में सुन चुके हैं, न विक्रिया विश्व सुरित सखस्य, सौहार्द का जो भाव होता है वो केवल भगवान और भगवान के भक्त के चित्त में ही होता है। भक्त प्रतिकार नहीं करता है, लेकिन भगवान वैष्णव अपराध सह नहीं सकते हैं। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रसाही न काहू, जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक तेज रही। तो सारंगधर मुखिया को अंततः शरण में आना पड़ा नरसिंह जी महाराज की, और नरसिंह जी के शरणागत होने से उन सभी का कल्याण हुआ, उन सभी ईर्ष्यालुओं का कल्याण हुआ। भाई भगवान या भगवान के भक्तों से किसी भी प्रकार से संबंध हो जाए, किसी भी प्रकार से, जैसे भागवत जी में उद्धव जी ने वर्णन किया है, मन्ये सुरान भागवतांस्त्रधीशे संरम्भ मार्गा विनिविष्ट चित्तान, उन असुरों को भी उद्धव जी ने भागवत माना, भक्त माना, जिन्होंने संरम्भ मार्गान क्रोध के मार्ग से, द्वेष के मार्ग से भगवान को मारने के लिए और उनसे युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए गए थे, लेकिन उनको भी उन्होंने महाभागवत माना, भक्त माना, क्योंकि भगवान और उनके जन किसी भी भाव से यदि उनसे संबंध हो जाए, क्रोध से, बैर से, काम से, निश्चित रूप से वह कल्याण करता है। मानस जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है, मेघनाथ जब गए हैं तो वहाँ गोसाई जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, रामानुज कह राम कही, अस कही छाणे सी प्राण, और धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। संरम्भ मार्ग से जितने असुर थे उन सब ने संरम्भ मार्ग से, क्रोध के मार्ग से भगवान को प्राप्त किया। मेघनाथ को क्रोध के मार्ग से, मरते समय कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, यद्यपि वहाँ कोई अच्छा भाव नहीं था, सद्भाव लेके नहीं गए थे, लेकिन किसी भी प्रकार, जैसा लिखा है भागवत महात्म्य, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, संसार में गुण दोष देखने का अभ्यास गलत है, ना गुण देखा जाए ना दोष देखा जाए। वस्तुतः भगवान से जिस गुण का संबंध है वो सबसे बड़ा गुण है, भगवान से अगर किसी दोष का भी संबंध हो जाए तो वो दोष भी सबसे बड़ा गुण है, और बड़े से बड़ा गुण है यदि भगवान से संबंध नहीं है, भगवान के जनों से संबंध नहीं है, तो बड़े से बड़ा महान से महान गुण भी दोष रूप हो जाता है। तो ये संपूर्ण केवल नरसिंह जी के चरित्र की बात नहीं है, संपूर्ण भक्तों के चरित्र में जहाँ जहाँ भक्तों से यदि ईर्ष्या का भाव भी रहा है तो अंततः उनका कल्याण ही हुआ, क्योंकि वह संबंध भगवान और भगवान के जनों से था, वस्तु शक्ति बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती है। आगे के दृश्य में हम लोग देखेंगे नरसिंह जी के ऊपर कितने बड़े बड़े मुकदमे लगाए गए हैं, और उसके बाद भी नरसिंह जी के चित्त में किसी के भी प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं है। आज जूनागढ़ रियासत का बहुत बड़ा दिन है, आइए आज जूनागढ़ के राज दरबार में चले, क्योंकि जूनागढ़ रियासत का बहुत बड़ा दिन है। कारण राजा राव मांडलिक के दरबार में भक्त राज की पेशकी, मेरा मतलब है श्री नरसिंह मेहता की पेशकी। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई, आज सारे रास्ते दरबार की ओर जा रहे हैं। कहते हैं जब मनुष्य की यश और कीर्ति संसार में फैलती है तो उसके अपने ही लोग ईर्ष्यालु हो जाते हैं। आज दरबार में मौजूद हैं सारंगधर मेहता, वंशीधर मेहता, दुरित गौरी, दीवान मदन राय, नरसी के मामा अनंत राय, और उच्च पद के राज कर्मचारी और नागर जाति के उच्च ब्राह्मण जो उससे नफरत करते हैं, और श्री नरसिंह जी का अपमान करने के लिए आज रात दरबार में आए हैं, क्योंकि उच्च मनुष्य की बराबरी न कर पाने से नीच लोग उसे घिराने की जीतोड़ कोशिश करते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, आइए चलते हैं राज दरबार में। राजा मांडलिक का आगमन किसी भी समय हो सकता है। सावधान, राजा राव मांडलिक दरबार में पधार रहे हैं। सावधान, राजा राव मांडलिक जी की जय।
राजा राम मंडलेक जी की जय। कहिए आप लोग को क्या कहना है। राजन, मेरा नाम सारंग धर मेहता। आज की ये राज्यसभा इसीलिए बुलाई गई है ताकि नरसिंह मेहता पर लगे हुए आरोपों को सिद्ध किया जा सके। नरसिंह मेहता जूनागढ़ शहर में रहकर अनेक प्रकार के ढोंग रचकर जनता को भ्रम में डाल रहा है, भक्ति का झूठा बहाना बनाकर भोली भाली जनता को ठगता है। स्वयं अज्ञानी है पर सबको ज्ञान देता फिरता है। इसलिए आपसे निवेदन है महाराज कि ऐसे धूर्त को, ऐसे अधर्म की वृद्धि करने वाले मनुष्य को उचित दंड दिया जाए, या तो आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड। राजन, मैं वंशीधर मेहता हूँ, इस राज्य का थानेदार। ये मेरी पत्नी है वृद्ध गौरी, ये भी आपसे कुछ निवेदन करना चाहती है। ये नरसिंह मेहता की भाभी है। राजा जी, रिश्ते में तो मैं इसकी भाभी हूँ, परंतु ये कहते हुए मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता है कि ये वास्तव में धर्म की आड़ में लोगों को फंसाकर उनसे पैसा ऐंठता है और उन्हें काम ना करने की सीख दे रहा है, काम चोर और आलसी बना रहा है। शायद इसीलिए जूनागढ़ में आलसी साधुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यही हाल रहा तो एक दिन हमारे राज्य में कोई काम नहीं करेगा, सब साधु बनकर नाचते गाते रहेंगे। मैं बहुत दिनों से भक्तराज नरसिंह की कीर्ति सुनता आ रहा हूँ। ये भगवान कृष्ण के प्यारे भक्त हैं, आज तक इनके ऊपर कोई कलंक नहीं लगा है। ऐसे भक्तों के द्वारा संसार को प्रेरणा मिलती है, उनका आचरण ही धर्म शास्त्र बनता है। इस विषय में जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक इनको दुराचारी कहना पाप है। राजन, मैं अनंत राय हूँ, नरसिंह मेरा भांजा है। ये जादू के बल पर अनेक स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप स्वयं जूनागढ़ शहर में चलकर चंचला वैश्या को देखाइए, उसने भी इनके जादू के वश में आकर विचित्र वेश धारण कर लिया है आजकल, और नित्य इनके यहाँ संध्या काल में जाती है। मामा अनंत राय जी ठीक कह रहे हैं राजन, पहले तो मुझे अपने भाई नरसिंह के इन करतूतों पे विश्वास नहीं होता था, परंतु जब मैंने स्वयं अपने आँखों से देखा तो सोचना पड़ा कि क्या कोई मनुष्य रात्रि के समय एकांत में एक वैश्या के साथ रहकर पवित्र रह सकता है। काजल की कोठरी में श्वेत वस्त्र कब तक श्वेत रहेंगे राजन। राजन, यही नहीं, आजकल नरसिंह ने एक नया नाटक शुरू कर दिया है। कहता है जब मैं गाता हूँ तो भगवान की मूर्ति से हार टूटकर मेरे समक्ष गिर जाता है, ये है मेरी भक्ति की शक्ति। जबकि वास्तव में ये हार के धागे को बांधता ही नहीं है, बस ऐसे ही मूर्ति पर रख देता है और भजन कीर्तन की ध्वनि से वो गिर जाती है। राजन, मैं दीवान मदन राय हूँ, श्री नरसिंह मेहता जी मेरे संबंधी भी हैं, वो एक सच्चे भगवत भक्त हैं। मैंने स्वयं इनकी भक्ति का चमत्कार देखा है, परंतु ये सब भी राज्य के बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, अतः सत्य को जानने के लिए दोनों पक्षों का सुनना बहुत जरूरी है। आप न्यायपरायण राजा हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप नरसिंह मेहता जी को अपनी बात कहने का मौका दें। राजन, अनंत राय जी ने जो कहा वो सत्य है, परंतु मैं अपनी ओर से ना तो किसी को भजन में आने का आग्रह करता हूँ और न ही आने पे प्रतिबंध लगाता हूँ। मेरे घर पर भगवत भजन के लिए किसी को भी रोक टोक नहीं है। स्त्री पुरुष, जात पात, ये सब कोई बाधा नहीं है। इन सब आरोपों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं अपने राधा कृष्ण के नाम के सिवाय और कुछ नहीं जानता। दीवान साहब, हमें भी नरसिंह जी का कथन सत्य ज्ञात होता है, आपकी क्या राय है। राजन, मुझे भी नरसिंह जी का कथन सत्य ज्ञात होता है, परंतु निष्पक्ष भाव से देखें तो इनके विरुद्ध कई लोगों की गवाही होने के कारण सत्य असत्य का निर्णय लेना कठिन हो गया है। अतः आप कोई ऐसा उपाय सोचें जिससे सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक है, एक उपाय है। नरसिंह जी, आपके बारे में मैंने भी सुना है कि आप जब गाते हैं तो आपकी भक्ति की शक्ति से पुष्पहार गिर जाते हैं,
इसलिए आज आप एक पुष्पहार लेकर राज मंदिर में भगवान राधा दामोदर को पहना दीजिए। मैं स्वयं मंदिर का दरवाजा बंद करके उसके आगे राज के पहरेदार लगवा दूंगा। आप मंदिर के बाहर बैठकर कीर्तन कीजिए। यदि प्रातः काल होने तक भगवान ने प्रकट होकर यही हार आपके गले में पहना दिया तो आप निर्दोष सिद्ध हो जाएंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मृत्युदंड। न्याय प्रिय राजन, आप धन्य हैं, ये तो आप भी जानते हैं कि भगवान भक्तवत्सल है। यदि प्रभु में मेरी सच्ची निष्काम भक्ति है तो वो अवश्य ही ये हार मुझे पहना देंगे, और नहीं तो जैसी उसकी इच्छा। नरसी, अगर तू असफल रहा तो राजा की तलवार और तेरा सर। अपने राजा के हाथों से प्रभु के मंदिर में मेरे नाथ के सामने यदि मेरी मृत्यु हो भी जाए तो इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य की बात होगी। ये लोगों को धोखा देने के लिए ऐसे ही नौटंकी करता है, मैंने इसे कई बार देखा है ये करते हुए। इसकी काली करतूतों के लिए इसे सख्त से सख्त दंड दिया जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्री नरसिंह जी ने पूरे तन मन से भगवान के आगे भजन कर रहे हैं, परंतु ये बात उन्हें खटक रही है कि मेरा केदार राग 60 रुपए में बंधक हुआ। देखो, उसके बिना भगवान का आह्वान कैसे करूं? उसके बिना उन्होंने भगवान का ध्यान करने की बहुत कोशिश की, परंतु भगवान प्रकट नहीं हुए। उधर दिव्य वैकुंठ धाम में भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और जगमाता श्री कृष्णा श्री लक्ष्मी जी पाद सेवन कर रही हैं। आधी रात का समय है, तभी भगवान एकाएक उठ जाते हैं और कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार सहसा उन्हें तैयार होता देख लक्ष्मी जी भी आश्चर्य में है। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्राणेश, आज अचानक आप निंद्रा से यूं कैसे उठ गए? निंद्रा भंग हो गई, क्या बात है? क्या किसी दैत्य का वध करने जा रहे हैं या पशु भक्त गजेंद्र का उद्धार करने जा रहे हैं? भगवान बोले, प्रिय लक्ष्मी, तुम ये रहस्य नहीं समझ पाओगे। मेरे शरण में आए समस्त जीव मेरे प्राण हैं। आज मैं अपने परम प्रिय भक्त नरसी की मदद के लिए जा रहा हूँ, आज उसकी भक्ति की परीक्षा है। इतना कहकर भगवान शीघ्रता से वहां से चले। आज उनके साथ गरुड़ और उनके पार्षद भी नहीं है। नरसिंह जी के व्याकुल हृदय की पुकार सुनकर उनका हृदय भी व्याकुल हो उठा है, तो तुरंत जूनागढ़ आकर नरसिंह जी का रूप धारण कर और धरनीधर मेहता के घर पहुंच गए। पर ये क्या, दरवाजा बंद है, आधी रात है। दरवाजा खटखटाया, बोले, खोलो खोलो दरवाजा, मैं नरसिंह राम हूँ, ऋण मुक्त होने के लिए यहाँ आया हूँ। द्वार धरनीधर की स्त्री ने खोला, जो नरसिंह जी की भक्त थी। उसने बोला, नरसिंह जी, आप इस समय आने की क्यों कष्ट करा? रुपए आप बाद में भी दे सकते थे। नरसिंह जी के रूप में प्रभु बोले, नहीं नहीं, मुझे केदार राग अभी चाहिए, मुझे अभी गाना है, हाँ, आधी रात्रि में। उन्होंने तुरंत पैसे दे के राग को छुड़ा लिया और लिखा हुआ प्रतिज्ञा पत्र वापस लेके दौड़े और तुरंत वहाँ से भागकर राज मंदिर की ओर आए, जहाँ नरसिंह जी भगवान का आवाहन कर रहे हैं। उन्होंने दूर से वो प्रतिज्ञा पत्र नरसिंह जी की ओर फेंका। नरसिंह जी ने उसे सामने गिरता देख उसे उठा लिया और उसको पढ़ने लगे। आधी रात को जगाकर, उसमें लिखा था, आधी रात को जगाकर श्री नरसिंह राम जी ने मेरे पूरे 60 रुपए चुका दिए, अब वो केदार राग प्रेम से गा सकते हैं, धरनीधर राय। बस इतना पढ़ना था कि नरसिंह जी के हृदय में प्रेम की गंगा जमुना बह उठी और उनका हृदय भगवान के प्रेम से गदगद हो गया। नेत्रों से प्रेम अश्रु छलक पड़े, कंठ में रोमांच होने लगा। सोचने लगे, ये कार्य श्री भगवान का हुआ क्या किया हुआ है, और कोई नहीं कर सकता। वो प्रेम में इतने मस्त होकर नाचने लगे और अपनी सुध में खो गए। देखो, अब पोल खुल जाने के डर से ये पागल बनने का दंभ कर रहा है। प्रातः काल होते ही राजा की तलवार से अपने आप इसका पागलपन दूर हो जाएगा। नरसिंह जी, प्रातः काल हो गई, अब इस अंतिम मुहूर्त में आपके कंठ में ये हार नहीं पड़ा तो ये नृत्य आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। इस नाच गाने की बजाय अपनी शर्त पूरी कीजिए।
हे दीनदयाल, हे दीनदयाल, मेरी गर्दन की अपेक्षा तेरी लाज का मूल अधिक है, वो ना बिक जाए। ये नरसी नाम तो तेरा ही है, चाहे तो इसे जला दे या मार डाल, तेरी शरण में पड़ा हूँ प्रभु। और वो पुनः केदार राग गाना शुरू करते हैं। सारी जंजीरें टूट जाती हैं, द्वार अपने आप खुलता है और एक दिव्य ज्योति मंदिर से निकलती है। प्रभु स्वयं उस ज्योतिमय प्रकाश से निकलकर नरसिंह जी की ओर आते हैं और उन्हें माला पहनाकर अपनी प्रेम प्रतिज्ञा निभाते हैं। भजन चल रहा है और चारों तरफ श्री कृष्ण की जय जयकार हो रही है। धरती से लेकर वैकुंठ तक सब भक्त और भगवान के इस अद्भुत मिलन का आस्वादन कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर सबके हृदय के पाप धुल गए और ग्लानी के अश्रु बहने लगे। कुछ समय बाद गोपी नरसी अली अपने भौतिक देह का परित्याग कर सच्चिदानंद लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के दिव्य रास में पुनः गोपी रूप में प्रवेश कर गई। अपने प्रियतम से पुनः मिलन की घड़ी आई। हरि वो हरि वो हरि वो श्री श्री राधा दामोदर भगवान की राधे हरि वो। नाचो नाचो हरि वो।
हरि वो। हरि वो। ये नरसिंह जी का पागलपन है, यही उनका पागलपन है, उनका प्रेम। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। ये राधा दामोदर भगवान का दर्शन श्री किशोरी अली, अली का मतलब है सखी। श्री किशोरी अली अपने भौतिक जीवन की यात्रा करके एक दिन भगवान के परम धाम दिव्य रास में प्रवेश कर गईं और हमेशा हमेशा के लिए वहाँ एक गोपी रूप में नित्य भगवान के साथ हरि कीर्तन करते, नित्य करते अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ये संक्षेप में थी श्री नरसिंह जी की जीवनी। और अब जब वो लीला में प्रवेश करने वाले हैं, आप लोग सब दिल थाम के बैठे और श्रृंगार का दर्शन, रास का दर्शन करें। राधे राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बाण दया की तनक धरो, बाण दया की तनक धरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, सदा धरि दीनन पे क्षमा, सदा धरि दीन पे श्यामा, ये विश्वास जो मन ही करो, ये विश्वास जो मन ही करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे हित अवतरी जगत में, दीन पालनी ही विचरो, दीन पालनी ही विचरो, राधे किशोरी दया करो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को जगरो, हरो विमुख गति को जगरो, राधे
कृपा करोगे श्यामा, यही आस लिए द्वार पर हो, यही आस लिए द्वार पर हो, राधा श्याम सुंदर भगवान की, राधा मान बिहारी लाल की, बोले बाबा महाराज की।